नमस्कार दोस्तों, मैं फरीद मंसूरी स्वागत करता हूं आपका मास्टरमाइंड फरीद में। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड फरीद और बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खसरा, बीवर और नक्शे की प्रतिलिपि अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे ये प्रतिलिपि आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये शासकीय कार्य के लिए, जैसे कि कोर्ट संबंधी कार्य के लिए, केसीसी के लिए, रजिस्ट्री के लिए मान्य नहीं होती है। इसके लिए मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप मात्र 30 रुपये का पेमेंट अपने डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से या फिर UPI के माध्यम से करके आप डिजिटल हस्ताक्षर वाली खसरा, B1 और नक्शे की प्रतिलिपि डाउनलोड कर सकते हैं, जो सभी शासकीय कार्यों में मान्य होगी। तो दोस्तों, अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तहसील और लोक सेवा केंद्र के चक्कर, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करनी है, mpbulek.gov.in। यहाँ पर आपको क्लिक करना है फ्री सर्विस के ऊपर। दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ कि आपको खसरा, बीवर, नक्शा की फ्री वाली प्रतिलिपि कैसे देख सकते हैं। सिंपली आपको क्लिक करना है खसरा, बीवर, नक्शा। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, भू नक्शा, गाँव की सूची, आवेदन पत्र, प्रतिलिपि, आवेदन पत्र, ये भी आप देख सकते हैं। मैं सिंपली खसरा, बीवर, नक्शा के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से जिला चयन करता हूँ, यहाँ से तहसील और यहाँ से गांव चयन करता हूँ। यहाँ से दोस्तों आप तीन तरह से खसरा का विवरण देख सकते हैं। भूमि स्वामी पे क्लिक करेंगे तो उस गांव के सभी भूमि स्वामी आ जाएंगे। खसरा संख्या के ऊपर क्लिक करोगे तो उस गांव के पूरे खसरे आ जाएंगे। और खाता संख्या से देखना है तो आप खाता संख्या से भी देख सकते हो। मैं सिंपली भूमि स्वामी के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से किसी एक का चयन करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक भूमि स्वामी चयन कर लिया, उसकी खाता संख्या ऑटोमेटिक उसके सामने आ गई है। यहाँ से आपको कैप्चा कोड डालना है और विवरण देखे के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, इस भूमि स्वामी के आपको B1 को देखना है तो सिंपली आपको B1 के ऊपर क्लिक करना है। आपको इसका खसरा देखना है तो यहाँ पे ये आंख जैसे निशान बन रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको खसरा दिख जाएगा। नक्शा देखना है तो सिंपली आपको इसके आगे क्लिक करना है, यहाँ से नक्शा दिख जाएगा। मैं इसके खसरे के ऊपर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, ये लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिमेन कॉपी पेंडिंग फॉर डिजिटल सिग्नेचर। इसके नीचे चार नोट दिए हुए हैं। यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए हैं। इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है। साइन कॉपी के लिए IT सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें। प्रविष्टियों में सुधार संशोधन हेतु संबंधित जिला तहसील कार्यालय में संपर्क करें। तो दोस्तों, ये वाली कॉपी सिर्फ देखने के लिए है, इसको किसी भी प्रकार से ऑफिशियल रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। आपको डिजिटल सिग्नेचर वाला खसरा लेने के लिए IT सेंटर या फिर लोक सेवा केंद्र में आवेदन करना होगा। आप सीधे ऑनलाइन आवेदन करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम ऑनलाइन आवेदन करके निकालेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करके बताता हूँ इसका कि कैसे निकलेगा ऑनलाइन खसरा। मैं सिंपली इसको क्लिक कर देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले दोस्तों, आपको अपनी ID बनानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको जाना है होम के ऊपर। यहाँ पर पब्लिक यूज़र के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पब्लिक यूज़र रजिस्टर करना पड़ेगा। लॉगिन ID, प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, पिता का नाम, आपका एड्रेस, ईमेल ID और मोबाइल नंबर डाल के आपको अपनी ID बनानी है। ID बनने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर यूज़र नेम, डिपार्टमेंट और पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ID लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको दोस्तों आपको वॉलेट रिचार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि 30 रुपये लगते हैं एक खसरा, B1 या फिर नक्शा निकालने के। तो सिंपली मैं यहाँ पे 30 रुपये डाल देता हूँ रिचार्ज अमाउंट में और सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्या आप वॉलेट रिचार्ज करना चाहते हैं? ओके। यहाँ से दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग है, मैं इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करता हूँ। दोस्तों, लिखा हुआ आ गया यूअर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। भुगतान सफल हो गया है। अब इसको आपको वापस लॉगिन करना पड़ेगा।
दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है भू अभिलेख प्रतिलिपि के ऊपर। यहाँ से दोस्तों आवेदन का प्रकार में आपको किस प्रकार की प्रतिलिपि की आवश्यकता है, आदेश की प्रतिलिपि, खसरा की प्रतिलिपि, खाता वर्क खसरा की प्रतिलिपि, नक्शा की प्रतिलिपि या फिर विवरण की प्रतिलिपि, जो भी आपको प्रतिलिपि की आवश्यकता है आप वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जिले का चयन करेंगे। यहाँ से तहसील का चयन करेंगे। यहाँ से गांव का चयन करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको भूमि स्वामी से खसरा की प्रतिलिपि सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, खसरा संख्या से भी कर सकते हो। मैं यहाँ से खसरा संख्या से सिलेक्ट करता हूँ और विवरण देखिए ऊपर क्लिक करें। यहाँ से दोस्तों आपको कौन सा खसरा निकालना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और खसरा जोड़े। उसके बाद दोस्तों आपको आवेदन करें इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों इसमें लिखा हुआ रहा है खसरा प्रतिलिपि वर्तमान वर्ष की चाहिए या पूर्व वर्ष की। जैसे आप पूर्व वर्ष के ऊपर क्लिक करते हो तो वर्ष से वर्ष तक का आप चयन कर सकते हो। मैं सिंपली वर्तमान वर्ष की लेता हूँ। यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर और प्रायोजन, मतलब किस कारण से आपको इसकी प्रतिलिपि की आवश्यकता है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि जानकारी हेतु, शासकीय कार्य हेतु, न्यायालय हेतु, देखने हेतु, केसीसी हेतु, रजिस्ट्री हेतु या फिर अन्य कार्य के लिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे शासकीय कार्य हेतु इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आवेदन जमा करें इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपको सिंपली भुगतान के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों नाम आ गया है आपका, सेवा का विवरण आ गया है, शुल्क आ गया है, अगर वॉलेट में आपने ज़्यादा का रिचार्ज किया था वो आपको राशि यहाँ पे दिख जाएगी, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सिंपली आपको आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करना है और जमा करें के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली इसकी रसीद प्रिंट करके रख लेनी है। अब आप इसको बंद कर दीजिए। दोस्तों आपका आवेदन हो गया है। अब आपको सिंपली वापस पब्लिक यूज़र के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको वापस लॉगिन करना पड़ेगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों आवेदन करने के बाद आपको वापस जाना पड़ेगा भू अभिलेख प्रतिलिपि डाउनलोड के ऊपर। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों इसमें खसरा की प्रतिलिपि, बीवन की प्रतिलिपि, खातावार खसरा की प्रतिलिपि, नक्शा की प्रतिलिपि, MRR की प्रतिलिपि, आदेश की प्रतिलिपि, आपने जिस कैटेगरी में आवेदन किया होगा उस कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर भू अभिलेख की प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाएगी। अब सिंपली आपको जो आपने आवेदन किया है उसका खसरा डिजिटल सिग्नेचर होके आ गया है। जैसे आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे तो PDF फाइल में आपका खसरा या आपने जिस कैटेगरी में आवेदन किया है वो डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये डाउनलोड हो गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसमें आपका खसरे की डिजिटल सिग्नेचर वाली कॉपी आ गई है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ रहा है डिजिटल साइन बाय DS कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड एंड सेटलमेंट मध्य प्रदेश। इस कॉपी को आप ऑफिशियल रूप से यूज़ कर सकते हैं शासकीय कार्य हेतु, न्यायालय हेतु, KCC हेतु या फिर रजिस्ट्री हेतु। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन करके घर बैठे खसरा विवरण नक्शा की प्रतिलिपि डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।